हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आया हूँ सूरत में जलाराम रसावाला खमन के यहाँ पे। एंड ये बहुत ही फेमस जगह है और यहाँ पे मैंने नाम बहुत सुना था। और संडे को अगर आप यहाँ पे आते हो तो मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे लाइन भी बहुत लंबी लगती है और क्राउड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बट आज हमारे साथ ये राज भाई है जो कि यहाँ के ओनर है और वो हमें आज हेल्प करने वाले हैं यहाँ पे, जितना मैं शूटिंग करूँगा उसका डिस्क्रिप्शन देने में। मेरे इधर जितने भी है, ये है खमन रसे का खमन जो क्रस किया जाता है। ओके। उसके अंदर भुनी हुई राई और कड़ी पत्ता आता है और लिमड़ा आता है, वो सब डाला जाता है, उसके ऊपर वगड़ किया जाता है। ओके। ये हमारी जलाराम खमन की स्पेशल कड़ी है जो उसको बोलते हैं रसावाला खमन। स्पेशल कड़ी? हाँ, स्पेशल कड़ी पूरा इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा टेस्ट। अच्छा, कितने करने? इसके अंदर सिर्फ उबला आने की देर रहती है, फिर उसके अंदर सात जल की दाल पड़ती है, उसका जो मिश्रण आता है ना पाउडर, वो उसको पानी में पानी के अंदर पेस्ट करके डालते हैं। ओके। ये चटनी है? हरा चटनी है। हरा चटनी? हाँ। ओके, तो इसे रस्ता वाला खमन बोलते हैं। हाँ, रस्ता पंजाबी समोसा। ये पंजाबी समोसा? हाँ। और इसका जो मिक्सर होता है उसमें क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है धनिया, होता है लाल मिर्च, होता है धनिया पाउडर, रहता है हल्दी, रहता है नमक, रहता है वो जो धाना जीरू रहता है, टच, लवंग। ओके। वो सब का पाउडर उसके वजह ज़्यादा मसालेदार भी बन जाता है। मसाले और हमारा बन रहा है पेटिस का मसाला। पेटिस का मसाला? हाँ, जो आलू की पेटिस है और फ्राई हो रहे हैं। ये अभी सूरत की फेमस रताड़ू पूरी जो ठंडी की सीजन में चल जाए। क्या है? और रताड़ू पूरी। रताड़ू पूरी? हाँ, वो जो कन बोलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, उसको तो ये कन से बनता है। हाँ, वो जो जमीन के अंदर आलू की तरह। हाँ हाँ हाँ, रहता है। और इसको गर्मी के ठंडी के मौसम में और अच्छा लगता है। और ये निकल जाए। ओके। ये कीमत में आपको 450 रुपये किलो मिलेगा। 450 रुपये किलो? हाँ, वो बन के इधर अपने इधर 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। और समोसा कितने का? समोसा वो अपना 15 रुपये का वन पीस। 15 रुपये का वन पीस। और पोक वड़ा? पोक वड़ा भी 200 रुपये किलो। और ऊपर क्या है? ये तो पाटा है। ओके। जो तेल मसाला बोलते हैं। तो इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है तेल बिना का 100 रुपये किलो है। तेल वाला 120 रुपये किलो और बटर वाला 200। बटर वाला भी आता है? हाँ। और इसका जो बेस होता है वो किससे प्रिपेयर होता है? वो चने की दाल आती है ना, चने की दाल। हाँ, उसको पीसा जाता है। ओके। फिर उसके अंदर हल्दी, नमक और हरी मिर्च डाला जाता है। हल्दी, नमक और हरी मिर्च। देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। एक सेट का खमन ही है। अच्छा, पड़ेगा तो खमन ही बन जाएगा। अच्छा, खमन खमन का प्रिपरेशन भी ऐसे ही होता है। खमन का भी ऐसे ही होता है। हाँ, उसको ठंडा किया जाता है और ये गर्म होता है। हाँ, ये गर्म गर्म रहता है, तब भी उसका नाम पड़ गया लोचा। अच्छा। और इसके ऊपर सेव आएगा ना? हाँ, सेव आएगा, ऑयल आएगा। ये मसाला है? हाँ, ये मसाला है। मैंने इधर क्या है, प्राइस लिस्ट कम रखो, क्वांटिटी ज़्यादा रहो और क्वालिटी पे ध्यान रखें। आपका ये जो बिजनेस है स्टार्ट कब से हुआ था? ये मेरा बिजनेस तो पुराने ज़माने में दादा लोग थे वो लोग चला रहे थे पहले, चौक बाजार में जो हमारी ब्रांच है, पुरानी ब्रांच, यानी कि 50 साल पुरानी ब्रांच है। 50 साल यानी कि 1970 से आपका बिजनेस है। हाँ। और आपके पास टोटल कितने ब्रांचेस हैं? हमारे इधर टोटल 4 ब्रांचेस है। 4 ब्रांच? हाँ, सब ये अडाजन विस्तार में ही है। एक चौक बाजार है, एक अडाजन पाटिया है, एक पालमपुर पाटिया और एक आपके साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने अपने शॉप का मुझे इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है।